मैं इस फ्लाइट से आपका इंडिया पहुंच जाऊंगा पहले 40 दिन के बाद, और पीछे आपको मेरी फ्लाइट दिखाई दे रही होगी। यहाँ से 2.5 घंटा लगेगा, सुबह सुबह सूरज भी उगने वाला है। देखो सामने, यहाँ से दिल्ली पहुंचते हैं मुझे आप आज मात्र 2 घंटा लगने वाले। हम अब यहाँ आ रहे हैं, रात के 3 बजे फ्लाइट चली गई है और मैं अब जाके यहाँ पहुँचाऊँ एयरपोर्ट, मेरी फ्लाइट ही छोड़ गई। बताओ इंडिया की, अब इंडिया कैसे पहुँचूँ, कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। मैं आगे चढ़ने चला गया एयरप्लेन, समझ लगा कि पीछे जाओ, क्योंकि पीछे के रास्ते हम घुस रहे हैं। आप देखेंगे अपना टिकट देख, नमस्ते। तो भाई ऐसा है कुछ अपना इंडिगो, अपना अब कुछ। तो कैसे हैं आप लोग भाई? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी इस टाइम पे मैं कहाँ हूँ, मैं इस समय हूँ वियतनाम में, और आपको बता दूँ कि आज मेरा वियतनाम में आखिरी दिन है। बैग वैग सब कुछ पैक कर दिया और अपना ये रूम भी भाई छोड़ दिया। देखो भाई ये कैसा रूम था हमारा, कैप्सूल रूम, नीचे एक बेड, दूसरा एक बेड, पूरा एसी वेसी लगा के बढ़िया ना। 4-5 दिन से, लास्ट दिन से मैं इसी में रुका हुआ था, क्योंकि ना मैं वियतनाम के इसी शहर हनोई से मेरी फ्लाइट है आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली की। आज दिन के 3 बजे की फ्लाइट है और मैं सुबह 7:30 बजे उठ गया हूँ। चलो स्वागत है फिर से आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। आज के सफर में आपको मैं वियतनाम से अपने घर तक का सफर दिखाने वाला हूँ, मतलब कि दिल्ली तक का या फिर अपने घर, शायद मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और इस होटल से निकलते हैं, ये होटल नहीं, ये स्पा सेंटर है, मसाज सेंटर। चलिए फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, मतलब आज आज की नई लोकेशन तो अपनी इंडिया ही होगी भाई, वियतनाम से इंडिया। देख रहे हो हमारे होटल का ये पूरा। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे? ये हमारे होटल के ऑनर है। तो भाई सुबह सुबह निकल के आ गया हूँ अपने होटल से बाहर की तरफ। आज तो भाई ना बैग पूरा लोडेड है मेरा सच में। अभी यहाँ पे ना पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे काउंटर से मिलता है वो, क्या होता है बनमी, देखो ये होता है बनमी, ठीक है। तो ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, उसके बाद मुझे एयरपोर्ट भी पहुँचना है आज। एयरपोर्ट में 3 बजे फ्लाइट भी है, तो कम से कम आपका एयरपोर्ट 1 बजे पहुँचना पड़ेगा, उससे पहले 2-3 घंटे हैं मेरे पास घूमने के लिए। वैसे तो ये आपका वियतनाम का लास्ट वीडियो है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरा वियतनाम देखने को मिलेगा। जब मैं आज जा रहा हूँ ना, तो ये सामने आपको के सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल के करके, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, क्योंकि इसने ना मुझे वैसे ही थाईलैंड में जैसे 7-Eleven है, यहाँ पर के सर्कल है, इसने बहुत जान बचाई है भाई हमारा। जब जब हमको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है ना, तब तक हमने यहाँ जाकर नूडल्स खाया है, केक खाए हैं, यहाँ सब कुछ मिल जाता है आराम से। इसलिए लास्ट टाइम दिख रहा है, थैंक यू बोल देना इसके लिए। आप भी अगर वियतनाम आओगे तो भैया सर्च कर लेना कहाँ कहाँ आपके हैं, आपके ना लोकेशन के हर 10-20 मीटर में ये खुले हुए हैं। आप वियतनाम के इन खूबसूरत रिक्शों का भी आनंद ले सकते हैं अगर यहाँ आएंगे तो। आपको 30,000 में आपको पूरा शहर घुमा देंगे। तो भाई हमारा ये आ चुका है बनमी जो हमने यहाँ से ले लिया, इन्हें 3-4 अंडे फोड़ के इसमें डाल दिए। अब भाई इतना हैवी हो गया कि क्या ही बताऊँ, 28,000 रुपये, 100 रुपये के आसपास है। तो भाई अपने रूम से निकलने के बाद ना, सबसे पहले हमने आपका वियतनाम के हनोई की अगर भैया अपनी 12 नंबर की बस, इस बस से हम जाएंगे एयरपोर्ट तक। पहली बस ली है जब से हम हनोई आए हैं, तब से हम बस में नहीं घूमे, क्योंकि ना हमने यहाँ पे आपका स्कूटी रेंट पे ले ली थी। बस यहाँ भाई आपको एक चीज़ अटपटी लगेगी, यहाँ ड्राइवर ना भाई आपके लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाते हैं। तो भाई ये हमारी लास्ट आपका बस की सवारी है वियतनाम, देख लो भैया लास्ट टाइम आपका वियतनाम की बस है, और ये हमें आपका एयरपोर्ट छोड़ेगी। यहाँ से 1.5 घंटा 2 घंटे का सफर रहेगा हमारा एयरपोर्ट का। मैं तो ना वैसे यहाँ कच्चे पहनने का आदि हो गया, गर्मी इतनी है यहाँ पे यार। ऑलराइट गाइस, तो भाई पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट, भारत जाने की है बड़ी खुशी, मेरे को भारत जाने की खुशी हो रही है सच में। मैं 40 दिन बाद अपने देश जा रहा हूँ, अपने गांव जाऊंगा, अपने पहाड़ जाऊंगा, अपनी नानी से मिलने जाऊंगा, अपने पापा से मिलूंगा, मम्मी से मिलूंगा, घर का खाना खाऊंगा। वहां तो मौसम भी ठंडा हो रहा होगा ना यार, यहाँ तो काफी गर्म हो रहा है भाई, जैकेट में ना पसीना पसीना हो गया था। हनोई में ना भाई मौसम बड़ा अजीब सा है, सुबह शाम ठंडा, दिन में बड़ा गर्म, बड़ा कंफ्यूज आता हूँ, जैकेट को बैग में रखो या हाथ में। मैं आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ यहाँ का। तो भाई ये देखो, ये है यहाँ का एयरपोर्ट भाई आपका, ये वियतनाम का एयरपोर्ट है। मैंने आपको क्या कहते हैं थाईलैंड का एयरपोर्ट तो दिखाया ना इससे पहले, बट आपको मैं वियतनाम का एयरपोर्ट दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। ये भाई को भी हमें गाना गवाएंगे, ठीक है? गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को ये मैसेज कर कि पैसे खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए हैं कि पैसे खत्म हो गए हैं। भाई विदेश में पैसे खत्म हो गए, 40 दिन हो गए, अब इंडिया भागना पड़ेगा। चलो भाई आपको वियतनाम का एयरपोर्ट दिखाते हैं अंदर से कैसा है। वैसे थाईलैंड का एयरपोर्ट तो काफी बड़ा था। तो भाई आपका वियतनाम में ना, देखो आपका यहाँ के एयरपोर्ट के अंदर में ना ऐसे आप अपने टिकट भी निकाल सकते हो। ये आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना, अभी हम लोग आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे ATM लगे पड़े हैं, अभी देख रहे हो, मुझे लगा ये ATM मशीनें क्यों लगी हैं इतनी लाइन से। ये आपका
आपको ना लाइन पे लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इंटरनेशनल बोर्डिंग पास लेना है तो आपको लाइन पे लगना पड़ेगा, डोमेस्टिक के लिए आप ऐसे निकाल सकते हो। एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद ना दो ही काम होते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है कि पहले आपको इनको अपनी ऑनलाइन टिकट दिखानी पड़ती है जो आपने ऑनलाइन बुक करी है। उसके बाद आपको ये कहते हैं फिजिकल बोर्डिंग पास देते हैं, मतलब एक पेपर देंगे कि मतलब ये आपका टिकट है। उसके बाद फिर आपको टिकट लेके इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। पहले आप यहाँ पर जो हमारे इंडिया के इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होंगे उनको दिखाना पड़ेगा कि हम इंडिया आना चाहते हैं, हम इंडिया वापस आ रहे हैं, अपने देश आ रहे हैं। फिर वो कहेंगे अच्छा ठीक है। फिर यहाँ से जब इंडिया पहुँचेंगे वहाँ भी एक बार इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा। बवाल बहुत है, चलो आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। जो रिकॉर्ड कर पाऊंगा वही बता पाऊंगा, ठीक है। बाकी सब आपको मैं पेपरों में दिखाऊंगा जब कर लूंगा, वहां पर तो कैमरा अलाउड होगा नहीं भाई। तो भाई मेरी फ्लाइट ना आपका आपका इंडिगो से है। वैसे जब मैं आया था तब मैं आपका विद जेट से आया था, उसमें आपका 7 किलो तक हमको परमिशन होते ले जाने की, लेकिन आज हम लोग इंडिगो से जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा है हमारे पास। 40-50 दिन हो गए हैं, थोड़ा बहुत सामान भी खरीदा था जो अपने लिए रोजमर्रा का पहनने वहनने के लिए, उससे वजन बढ़ गया। अब जाके देखते हैं कि इंडिगो का यहाँ पर ना बहुत सारे काउंटर बने हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो भाई आप, यहाँ पे आपका वियतनाम एयरलाइंस के सारे काउंटर बने। यहाँ से आपको वियतनाम एयरलाइंस की अगर आपकी फ्लाइट है तो आपको यहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा, लेकिन हमारा इंडिगो की फ्लाइट है, मुझे आपका इंडिगो के पास जाना पड़ेगा। इंडिगो के कहाँ लगे हैं भाई? ऐसा कभी होगा ज़िंदगी में कि आपके रोहित पहाड़ी कुछ काम करें और कलेश ना हो? पता है बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई यार। वियतनाम से इंडिया की फ़्लाइट थी 3 बजे की, मिस हो गई। अब इंडिया कैसे जाऊँगा समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई मेरी हेल्प करेगा नहीं करेगा मुझे तो ये भी नहीं पता भाई। पता है एक्चुअल में था क्या, मेरी फ़्लाइट थी रात के 3 बजे की और मुझे लगा दिन के 3 बजे की है। 19,000 रुपये की फ़्लाइट थी और अब वही फ़्लाइट 25,000 की हो रही है। तो भाई मेरे साथ अभी ना एक लफड़ा हो गया यार। मेरे साथ ना कभी कोई लफड़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पता है मेरे साथ क्या लफड़ा होगा? ये गलती आप मत करना अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हो तो भाई। ये एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत तगड़ा नुकसान हो चुका, 20,000 का नुकसान हो चुका है इससे मैं वियतनाम के एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ। हुआ क्या, मैंने फ़्लाइट करी थी 3 बजे की, 3 बजे की फ़्लाइट थी। मैंने ये देखना भूल गया कि AM या PM, रात की फ़्लाइट थी 3 AM की और मैं आया दिन में 3 PM पे। और यहाँ पहुँचा तो पता चला भाई कि फ़्लाइट निकल गई है और फ़्लाइट की टिकट थी 20,500 रुपये की। भाई साहब खून के आंसू रो रहा हूँ मैं अभी, खून के आंसू। और अभी फिर क्या है, अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो कुछ हो नहीं सकता ना कि पैसे रिफंड हो नहीं सकते क्योंकि फ़्लाइट इंडिया पहुंच चुकी है, हम अब यहां आ रहे हैं। रात के 3 बजे फ़्लाइट चली गई है और मैं अब जाके यहां पहुंचा हूं एयरपोर्ट, मेरी फ़्लाइट ही छोड़ गई। बताओ इंडिया की, अब इंडिया कैसे पहुंचूं, कहां जाऊं समझ नहीं आ रहा है। अब फ़्लाइट बुक कर रहा हूं तो भाई इतनी महंगी महंगी फ़्लाइट दिखा रहा है ना, 25,000, 26,000, 28,000। तो फ़्लाइटें महंगी हो जाती हैं, वियतनाम लोग आते जाते रहती हैं। अब परेशान हो रहा हूं कि फ़्लाइट बुक करूं। मैं आपको दिखाता हूं, देखो अभी आपको मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। तो भाई देख लिया, ये मेरी टिकट थी और मैं गलत टाइम में पहुंचा, बट मेरा नुकसान हो चुका है, 20-25 हज़ार का नुकसान हो गया। अब मैंने दूसरी फ़्लाइट बुक करी है, मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये अपनी फ़्लाइट की टिकट है, हमें कितनी की पड़ी देख लो आप अपने हिसाब। तो ये वाली फ़्लाइट मुझे फिर से 20,000 रुपये की पड़ रही है, मतलब एक ही दिन में 40,000 रुपये मेरे बर्बाद हो गए। मतलब वियतनाम से इंडिया जा रहा था, फ़्लाइट छूट गई, 40,000 का नुकसान हो गया, अब बुरा फंस गया हूँ। अब ये टिकट बुक करा के इसका बोर्डिंग पास लेके आता हूँ। भाई साहब मेरे को ना विदेश की यात्रा लग रहा अच्छी नहीं लगती, हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है कुछ ना कुछ। पिछले बार आपने जो मेरा बैंकॉक में देखा था कैसे भागे थे एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में, इस बार भाई हम और बुरा फंस गए। देखो ये आपका वियतनाम का एयरपोर्ट है, इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ और भीड़ देख रहे हो भाई कैसी लगी है, लंबी लंबी लाइन। भाई जब आप वियतनाम की तरफ आओगे ना तब आपको इतनी लंबी लाइनें नहीं मिलेंगी, भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप वियतनाम से जाओगे ना आपको बहुत सारे इंडियन मिलेंगे। मैं पिछले 1 महीने से आपका वियतनाम में और थाईलैंड में ट्रैवल कर रहा था, मैं भाई साहब इंडियन लोगों को देखने में तरस गया था। गिनती के लोग मिलते थे, जब मैं किसी इंडियन होटल में खाना खाने जाता था तभी मिलते हैं लोग मुझे, बट आज मैं यहाँ जब अपने वतन जा रहा हूँ ना वापस आपका 1.5 महीने बाद, तो मुझे इतने सारे अपने लोग मिल रहे, चेहरे अपने से मिल रहे हैं। देख रहे हो ये सारी लाइन लगी है, सारे इंडियन से यहाँ पर खड़े हैं। अब हमको ना लाइन लगा के पहले अपना बोर्डिंग पास लेके आना। चलो ये भी एक पार्ट है जर्नी का, ट्रैवल का। नुकसान हुआ कुछ सीखा, क्योंकि ना देखो कुछ भी आपके साथ होता है ना, या तो आप सीखते हो या फिर आप जीतते हो, एक ही काम होता है। इस बार हम हारे हैं लेकिन सीखे हैं कुछ बढ़िया सा। तो भाई ये देखो हम लगे हैं लाइन पे और यहाँ पे ना भाई कितने सारे इंडियन चेहरे देखो, अपने से चेहरे दिख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे आगे ना कुछ छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं, ये भाई हस्बैंड वाइफ सारे लोग जा रहे हैं। हाय भाई, कैसा लगा आपको वियतनाम? कूल, अच्छा लगा, मजा आया, बहुत मजा आया। घर जाके खाने को लेके मतलब उत्तेजित हो या फिर जाके रिलैक्स करना है? मेरा तो भैया खाने को लेके है, मैं जाके ना इतने सारे ऑर्डर मैंने अमित भाई को लिख दिया अभी से कि सुबह मेरे को क्या क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, भाभी कहती कॉफी पीनी है, छोले भटूरे खाने हैं, मटन चावल खाना है, चिकन चावल खाना है, सब एक दिन के अंदर फिनिश करना है, क्योंकि 2 महीने से ना भाई ढंग से खाना नहीं मिला मेरे को। देखो भाई बहुत सारे लोग ना मुझसे ये बोल रहे थे भाई तेरे को वियतनाम मिला जाने के लिए, तो भाई देख लो यहाँ कितने लोग, देख लो भीड़ देख लो भाई, हिंदुस्तान से कितने लोग यहाँ आते हैं देख लो भाई साहब। तो भाई अब हमारी ना फ़्लाइट दोबारा से आपका रात का 3:10 पे जो हमने अगली बुक कर रखी है, तो इसलिए ना इस वाले काउंटर पे भीड़ है क्योंकि यहाँ पर ना सारा इंडिगो वाला काउंटर है। जब फाइनली अपने को अपना बोर्डिंग पास मिल गया इंडिया का और अब जाके हमें इमिग्रेशन पे जाना पड़ेगा। इमिग्रेशन क्या होता है ना, जैसे कस्टम मान लो वो हमारा बैग चेक करेंगे, सारा सामान वामान चेक करेंगे,
बोर्डिंग पास मेन होता है, इसके बिना हम फ्लाई नहीं कर सकते, ये आपको लेना पड़ेगा। जैसे लाइन में लग के एक घंटा लग गया लाइन में यार मैं यहाँ पे। अब चलते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास और उनको बताते हैं कि हम भाई इंडिया जा रहे हैं, घूमने आए थे, घूम के जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे। बोले खैर हम तो अपने देश जा रहे हैं ना, इतनी यार दिक्कत नहीं होगी। इनके देश में आते ना तो थोड़ा कलेश होता कि पूछते सारे क्वेश्चन कि आ क्यों रहे हो, क्या काम है हमारे देश में, घूमने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो। बट अब तो हम अपने वतन वापसी कर रहे हैं, इनको ज़्यादा कोई चोचले होंगे नहीं इनके। जो मैंने अपनी नई वाली फ्लाइट करी है ना, क्योंकि एक बार 20,000 का नुकसान मेरा हो चुका है ऑलरेडी, वो मेरी दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट थी, उसमें मेरे पास सिर्फ एक टिकट था, लेकिन मेरे पास दो दो टिकट क्यों है आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है ना। एक टिकट मेरा यहाँ से कोलकाता तक का है, पहले मैं पहुँचूंगा कोलकाता और फिर मुझे कोलकाता से ना दोबारा आपका दिल्ली के लिए मिलेगी, वहाँ से एक मुझे अलग फ्लाइट लेनी है, तो ये दो टिकट है मेरे पास इसलिए, समझ रहे। मतलब आज मैं दो बार उड़ान भरूंगा, 3 बजे यहाँ से निकलूंगा आपका, पहुँचूंगा 6 बजे के आसपास कोलकाता, फिर कोलकाता से दिल्ली के लिए। सो गाइस फाइनली अपना इमिग्रेशन भी हो चुका है, मतलब इमिग्रेशन मतलब हमारे पासपोर्ट में मोहर लग चुकी है कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम ऑफिशियली आपका वियतनाम से निकल के आपका इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं। बस निकलोगे ना आपका एयरपोर्ट से, आपको ऐसे आपका कस्टम फ्री शॉप मिल जाएंगे काफ़ी सारी, जहाँ से आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो अपने घर वालों के लिए, अगर आप कुछ लेकर जाना चाहते हो। वैसे मेरे तो ना बैग में रत्ती भर भी जगह नहीं है कि मैं कुछ खरीद सकूँ यहाँ से। बट लास्ट टाइम जब मैं श्रीलंका से रिटर्न आया था ना, तो मैं पापा के लिए लेके गया था, लेकिन अब तो हमारे पापा ने ही छोड़ दी पीना खाना सब कुछ, अब किसके लिए ले जाएंगे हम भाई जी। एयरपोर्ट पे ना आपका एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए ना कम से कम आपका 500 मीटर 1 किलोमीटर का वो होता है फासला, इसलिए ना आपका ये बीच में ऐसी ट्रेडमिल लगा देते हैं कि जिसमें आप खड़े रहो और आप चलते रहोगे भाई। तो भाई जी आपका टाइम हो गया 2:45 और 3 बजे अपनी फ्लाइट है, सामने देखो भाई अपना आ गया इंडिगो एयरलाइंस का जहाज। तो भाई जी फाइनली अपना इमिग्रेशन कम्प्लीट हो गया, अब जाना है मुझे अपनी फ्लाइट के पास। अब रात के 3 बज गए, सामने देखो फ्लाइट लग गई है, वो देखो भाई अब इसमें बोर्डिंग होने का टाइम हो गया। ये रास्ता होता है सर ना, इससे जाने का ऐसा रास्ता होता है कांच का बना के रखते हैं पूरा, ये इसके अंदर सीधे हमको फ्लाइट के अंदर ले जाएंगे। देख लो भाई कैसा होता है फ्लाइट के अंदर जाने का रास्ता, कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ से हम फ्लाइट के अंदर घुस जाएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। आप यहीं से इंडिया से? इंडिया से। अरे जी क्या बात है। तो चलो देखो ये रास्ता ना पूरा फ्लाइट के अंदर जा, मैं फ्लाइट में बैठा नहीं था ना पहली बार, तो मैं बड़ा अंदर से होता कि यार कैसे होता था हवाई जहाज, कैसे बैठते होंगे इसके अंदर, कैसे जाते होंगे इसके अंदर। अब जब धीरे धीरे मेरा आपका इंटरनेशनल, मैंने 3-4 ट्रिप कर दी है, 3-4 कंट्री ट्रैवल कर लिया, तो अब जाके मुझे पता चल गया कि भैया फ्लाइट कैसी होती है क्या होती है। चलो ये अपना हवाई जहाज है, यहाँ से हम अंदर घुसेंगे अपना टिकट लेकर। नमस्ते। तो भाई ऐसा है कुछ अपना इंडिगो, अपना अब कुछ अपना भारतीय वाला सीन आ रहा है, फील आ रहा है बढ़िया वाला। तो भाई अभी तो हवाई जहाज खाली है, क्योंकि अभी ना आपका 2:30 बज रहा है, अभी आधे घंटे बाद या 3:15 पर अपनी वो ये फ्लाइट उड़ जाएगी, उसके बाद जाके फिर हम सुबह सुबह उजाले में इंडिया पहुँचेंगे। जब पूरा पूरा हवाई जहाज खाली होता है तब देखो कैसा लगता है ना भाई। और आज फाइनली मैं इस फ्लाइट से आपका इंडिया पहुँच जाऊँगा, मेरे 40 दिन के बाद ना हमारा भाई इंडिया जा रहा है, काफ़ी खुश हूँ मैं, रोटी खाने के लिए काफ़ी खुश हूँ। सीट मिल गई, पहले ना जो लगेज है अपनी सीट के ऊपर इस तरीके से रात में आपको मैं, क्योंकि खिड़की से कुछ दिखाई नहीं, सब कुछ अंधेरा अंधेरा होगा, और मेरे को पहली पहली बार पता चला है कि हवाई जहाज रात में भी चलता है, वरना मैं तो डरा हुआ था कि रात को इसको कौन उड़ाएगा, कहाँ दिखेगा, अब खिड़की से क्या दिखाऊंगा आपको मैं। तो भाई जी चलो अभी आपका कोलकाता पहुंच गया, अभी मतलब एक फ्लाइट तो चेंज कर ली है, इसके बाद अभी यहाँ से दिल्ली निकलना है, 2-2.5 घंटे का सफ़र और रहेगा, और मेरे इसमें ना अभी टाइम जोन आपका वहीं का चल रहा है आपका वियतनाम का, बिकॉज क्योंकि मैंने अभी सिम नहीं डाली है, तो अभी मैं वियतनाम के टाइम से चल रहा हूँ, वहाँ पर टाइम हो रहा है इस समय आपका 4:31 के आसपास। तो भाई अभी इमिग्रेशन पे जाके ना अपना इमिग्रेशन करा लिया, मतलब हम लोग आपका जो वियतनाम से इंडिया आ चुके हैं उसका इमिग्रेशन हो गया। अब ना हमको एयरपोर्ट के अंदर ना 2 टाइप के एयरपोर्ट होते हैं, एक होता है आपका डोमेस्टिक, एक होता है आपका इंटरनेशनल। इंटरनेशनल फ्लाइट एक जगह पर आती है, डोमेस्टिक एक जगह पर। अब हमारा इमिग्रेशन हो चुका है, अब जा रहे हैं हम डोमेस्टिक वाले एयरपोर्ट पे, जहाँ से हमें दिल्ली के लिए अगली फ्लाइट मिलेगी, हमारी मतलब 2 फ्लाइट होंगी। तो चलो चलते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट पे, वहाँ से पता करते हैं भाई अपनी फ्लाइट अभी और कितना देर टाइम डिले आगे। तो भाई जी फाइनली हम आपका कोलकाता से अब निकल रहे हैं, 6:45 हो चुके हैं, और पीछे आपको मेरी फ्लाइट दिखाई दे रही होगी इंडिगो एयरलाइंस, जिससे मैं आज आपका दिल्ली पहुँच जाऊँगा। यहाँ से 2.5 घंटा लगेगा, सुबह सुबह सूरज भी उगने वाला है देखो सामने, और हमारी ये फ्लाइट रेडी हो चुकी है, यहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं मुझे आप आज मात्र 2 घंटा लगने वाला है। आपका एरोप्लेन में 2 टाइप से आपका चढ़ते हैं भाई, एक आगे से पीछे से। मैं आगे चढ़ने चला गया एरोप्लेन में, बोला कि पीछे जाओ, अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। चलो आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चढ़ते हैं, क्योंकि तो पीछे के रास्ते हम घुस रहे हैं अब आपका फ्लाइट के अंदर अपनी। चलो भाई
तो भाई जी फाइनली हम लोग आपका इंडिया पहुंच गए, मतलब दिल्ली पहुंच गए। भैया जी आपका बस से फ्लाइट, फ्लाइट से मेट्रो, मेट्रो के बाद ये लिया ऑटो, और ऑटो में हम कहाँ जा रहे हैं पता है? पिछले 40 दिन से ना हिंदुस्तानी खाना नहीं खाया, तो यहाँ हमारे अमित भैया रहते हैं तो बोल रहे कि आपके लिए ना बहुत सारी डिश बनाई है मैंने, बनाई है या बेवकूफ़ बनाया पता नहीं, वहीं जाके पता चले। तो भाई जी मैं आपका पहुँच चुका हूँ अमित भाई के घर पर दिल्ली में, मतलब अपना यहाँ सब हिंदी हिंदी में बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सारे लोग अपने से दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ देख के मुझे। वरना भाई आओ अरे आ जाओ भाई, कहाँ गए? वो देखो भाई सामने ये, अरे दरवाज़ा खोलो भाई कुछ खाना आया, तुम तो कैमरा वैमरा लेके बैठ गए यार, देख रहे हो? आओ यार हम यहाँ डोरबेल बजा रहे हैं कि यूट्यूबर देखो कैमरा लेके खड़े हो गए ऊपर। देखो हमारे भैया सुबह सुबह पहले हमारी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी शुरुआत हो गई है, अभी हम लोग पीते हैं, ये लोग किचन में चले गए कुछ बनाने के लिए, बढ़िया बनाना जो भी बनाओगे ठीक है। क्या बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो? अच्छा चलो ठीक है। तो भैया स्ट्रॉन्ग कॉफी तो भैया ने हमारे लिए हमको पिला दी है, अभी देखो इंडिया आने की खुशी में हमारे लिए क्या क्या बनाया है। यहाँ सलाद काट के रखा है, सब कुछ रखा है भाई जी ने, ये दूध के मैं कॉफी बहुत पीता हूँ ना, भैया ने कॉफी का पेस्ट बना के भाभी ने ना पहले से रखा, देखो सारा ये देखो भाई। और भैया ने सुबह सुबह हमारे लिए सुबह सुबह नाश्ते में क्या बना रखा है ये देखो, गरम गरम लच्छा पराठा अभी इन्होंने ऑर्डर कर दिया है हमारे लिए, अभी इनको ढकते हैं। और सुबह सुबह नाश्ते में भैया ने बनाया हमारे लिए चटनी, और इधर क्या बनाया भैया ने हमारे लिए चिकन, ये बनाया को राइस, वो भी पूरा कांजू डाल के। इसलिए हम इंडिया से आने के बाद सबसे पहले अपने घर नहीं गए, हम अपनी सारी जो 40 दिन से तड़प रहे थे ना जो खाने के लिए, वो सब बना के रेडी है। अभी पूरे दिन भर में पता नहीं मटन चावल बनने वाला है, फिर शाम को आपका फिश बनेगा, पूरी कसर उतारनी है पूरी 40 दिन की। तो भैया जी आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आज तारीख है आपका 12 जनवरी, और आज मैं वियतनाम से इंडिया क्यों आया हूँ वो कल के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि भैया हमारे पूर्वजों ने 550 साल जिस चीज़ का इंतजार किया था वो था भैया राम मंदिर। इसलिए मैंने थाईलैंड और वियतनाम के बाद अगले देश की यात्रा को स्टॉप करके चूज़ किया इंडिया आना, और इंडिया आते ही दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने अपनी बाइक को मंगा दिया है दिल्ली, और कल मैं डायरेक्ट यहां से निकल रहा हूं भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर के दर्शन के लिए दिल्ली टू अयोध्या। तो हमारी इंटरनेशनल ट्रिप हो गई है खत्म। तो इस इंटरनेशनल ट्रिप को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलते हैं आपसे एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ, अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या नगरी जाएंगे, बाय बाय। कितने लोग एक्साइटेड थे कि रोहित पहाड़ी भाई अयोध्या जाओ 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 जाओ, मुझे फटाफट बताओ। कल मिलते हैं अयोध्या के रास्ते में, बाय बाय।